ये देखिए, मेरा ये कहना है कि साइबर टेक्निक से लोकेशन निकाल कर इसको नाना खेड़ा के पास से इसको राउंड अप करके गिरफ्तार किया गया और इसको हम घटनास्थल की तस्दीकी करने के लिए लेके जा रहे थे। लगभग 45 मिनट पहले ही इसको पकड़ा था और घटनास्थल जीवन खेड़ी, जहाँ इसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था, उस स्थान की का नक्शा मौका बनाने तथा पीड़िता के जो फटे हुए कपड़े थे उनकी जब्ती के लिए हमें जाना था, उनकी तलाश करने के लिए जाना था। तो हम वहाँ गए थे, तभी इसने मौका पाकर जो है भागने का प्रयास किया और इसमें ही इनको जो है भागा है, तो पुलिस कर्मियों ने भी इनका पीछा किया। तो जीवन खेड़ी के पास जो आपने देखा होगा सीमेंटेड दीवार, उससे वो टकरा गया, वो मतलब रोड है, रोड से टकरा गया था, जिससे उनके पाँव में हाथ में चोट आई गिरने से। सर आरोपी का क्या नाम है, क्या इसका बैकग्राउंड है? ये ऑटो चालक है, भरत सोनी इनका नाम है। और इसमें और भी कोई आरोपी पकड़े गए हैं या और भी कोई तलाश? अभी प्रकरण का अनुसंधान चल रहा है, आपको जो भी विस्तृत जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय वहाँ पे दें, आपको प्रेस वार्ता में देंगे। और ऑटो चालक है जिसपे एक अलग से प्रकरण दर्ज किया जाएगा पुलिस को ना रिपोर्ट करने के लिए, कि उसके सामने एक ऐसी व्यक्ति थी जिनके साथ कोई घटनाक्रम हुआ था, पर पुलिस को ना सूचित करने के लिए एक FIR अलग से दर्ज की जाएगी। क्योंकि फरियादिया के द्वारा घटनास्थल किस कहां पर है ये नहीं बताया गया था, तो आरोपी को वापस रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान उसने वहां जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे उनको धक्का दिया, जो चोटिल हुए वो भी लगातार जो मेडिकल असिस्टेंस है उनको दी जा रही है, इसी दौरान वो घायल हुए। अभी एक घायल आया है, पुलिस द्वारा हमारे पास लेकर आया गया है, अभी उसके पैर में चोट है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करके अभी उसको अपने लोगों ने OT में शिफ्ट कर दिया है, सर्जन को बुलवाया है, आके सर्जन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या स्थिति है, स्टेबल है वैसे। मैं डॉक्टर नीतराज गौड़, RMO DHO।